आज बड़ी स्पीडें लगी हैं आपको पता नहीं क्या, इतनी जल्दी तो मैं अपने बलीमे वाले ना अपनी शादी वाले दिन भी नहीं तैयार हुआ, इतनी जल्दी आ जाना है क्योंकि आज हमने टेस्ट है 11 बजे उस टाइम बनाया हुआ है, 11 बजे से लेट हुए तो टेस्ट नहीं होगा, पहले एक दफ़ा गए हैं अच्छे करके आ गए हैं तो टेस्ट नहीं हुआ, तो आज उसने कहा 11 बजे और मैं लाजमी इसके बाद आए तो आपका टेस्ट नहीं होगा और फिर भी ज़ाय हो जाएंगे, तो हम तैयार हैं और भाग दौड़ आज बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो ऐसे ऐसे काम किए हैं भाई, बस आप ना पूछो किस तरह काम किए हैं, तो अब बस गाड़ी में बैठना है और फौरन निकलना है, फौरन निकलना है। 1 hour later इतनी सुबह सुबह जा रहा हूँ, मम्मन किधर जा रहा है, मम्मन जलान कितनी इतनी सुबह सुबह जा रहे हो, आज भाई तगड़ी किस्म की स्पीड लगानी पड़ेगी तब जाके हम पहुंचेंगे रावलपिंडी, क्योंकि 11 बजे एग्जैक्ट हमने पहुंचना है, उसके बाद जो टेस्ट वाला है उसने कहा है हम आपका टेस्ट हर किस नहीं करेंगे, 11 बजे के बाद आप आए तो, क्योंकि टेस्ट बहुत लेंथी है, हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आखिरकार हम तगड़ी स्पीड लगाने के बाद पहुंच गए हैं जी टोल प्लाजा इस्लामाबाद पे, अब इधर से एक आधा घंटा और चाहिए क्योंकि रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जाम होती है, तो हम इस्लामाबाद हाईवे से फिर के हम पिंडी जाएंगे। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम इन टाइम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और इधर हमें 11 बजे से हमारा स्टार्ट होगा टेस्ट और ये जाएगा 3 घंटे 12, 1 और 2 बजे तक, 2 बजे तक हमने हॉस्पिटल जाना है और 2 बजे हम हॉस्पिटल लीव कर सकेंगे। A few moments later. अल्लाह का शुक्र है जी हम हॉस्पिटल से फारग हो गया, टेस्ट हो गया, अब इधर से हमने मेडिसिन लेनी है सदर से लेके फिर हमने जाना है PWD। A few moments later. मेडिसिन लेने के बाद हम पहुंच गए हैं जी सीधा PWD जा रहे हैं और हम पहुंच गए हैं कचहरी चौक, रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि इधर पिंडी में मैच वगैरह भी हो रहे हैं, तो इससे मैं आज वर्किंग डे है, आज मंडे है, तो इसलिए आज कचहरी में भी रश ज़्यादा है, तो ट्रैफिक जैम है थोड़ी, क्योंकि पिंडी का ये तो मामूल है, ये ट्रैफिक जैम ही रहती है इधर क्योंकि कचहरी चौक है और रोड क्लोज कर देते हैं, पार्किंग वगैरह हो जाती हैं गाड़ियाँ, तो उसकी वजह से रोड तंग हो जाते हैं और रश लग जाता है, तो हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह PWD। सर रश में डबल घुसट करने के बाद हम पहुंच गए हैं जी पैरिया टाउन पहुंच गए हैं, पैरिया से गुजर के हम जाएंगे PWD क्योंकि यही रूट बनता है, तो अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह PWD पहुंचेंगे। लेने थे जी 2-4 सूट क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो स्प्रिंग आ गया और समर आने वाली है, तो मेरे पास मैंने कहा नए सूट सिलवा लेंगे क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में भी काम देंगे और गर्मी भी आ रही है तो उसमें भी चलेंगे, तो ईद की शॉपिंग बाद में करेंगे, ये ईद की शॉपिंग नहीं है भाई, ये रमज़ान की शॉपिंग है, ये रमज़ान में चलेंगे क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है, तो मैंने कहा 2-4 सूट लेके बनवा लें क्योंकि टेलर भी टाइम लगाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस ये मैंने कहा पहले ही लेके ना
इधर दे दे टेलर को। ये जरा नरम था, सॉफ्ट था, मुझे सॉफ्ट काट रहा, हार्ड नहीं चाहिए। आफ्टर वॉश नरम हो जाते हैं ये, ऐसा जो पैकिंग में होता है ना वो खड़ा करते हैं, इतना बोल मारेगा इसमें। वाइट ऑफ वाइट है, इसमें वाइट खत्म हो गया। ये ले लो, ये ब्लू, फिर ये ऑफ वाइट ले लो। दो सूट जो पसंद आए थे वो ले लिए हैं जी, अब पैकिंग हो रही है और बिल करवा दिया। हर दफा आता हूँ तो ये नई से नई चॉइस मुझे दिखाते हैं परफ्यूम। हमने ली है जी थोड़ी गनेडियाँ भाई, रमज़ान नहीं है, रमज़ान का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है, ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है, ठीक है, आप ना समझ लेना कि ये रमज़ान में गनेडियाँ खा रहे हैं। ये गनेडियाँ हमने ली हैं, प्यास बहुत लग रही थी तो हमने कहा चले इससे थोड़ी प्यास वगैरह मिटा देते हैं, तो और एक्चुअली सही बात है कि इससे प्यास थोड़ी बुझ जाती है गनेडियाँ खाने से, ये गन्ना खाने से। ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग शॉपिंग करें और ये छोटे मोटे पीछे रह जाएं, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। हमने शॉपिंग करनी है तो खुद करनी है, तो खैर हमने इनका भी एक एक सूट, न्यू कलेक्शन आ गई है समर की, तो हमने आउटफिटर से इनका भी एक एक सूट ले लिया है, तो अभी बिल करवा रहे हैं, बिल करवा के चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर घर की तरफ ही जाना है। कभी पॉसिबल हुआ तो इंसान जरूरी नहीं होता, अभी नहीं दिया तो खा दी ना थी जी, मारे 1500 कितना टोटल बिल बना था आपका, बना 5860। चलो भाई अब चलते हैं, बिल हो गया, कपड़े ले लिए और अब हम चलते हैं। अच्छा मतलब इधर शॉपिंग करने आए या बाजार वगैरह फिर है तो भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, तो हम अब चलते हैं और कुछ खाते हैं। पीडब्ल्यूडी से निकले तो भी ये खिचड़ी मची होती है, ये रोड बना नहीं रहे और ये सिस्टम इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं हर तरफ, तो अजीब ही सिस्टम है यार, खंभे रख के इन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए हैं। खैर हम पहुंच गए हैं जी आप गुलपर्क, कोपर ग्रीन के साथ ही एक पीछे वाली ज़बरदस्त किस्म की शॉप है जिधर पिज़्ज़ा आपको बहुत ही फ्रेश और अला क्वालिटी में मिलता है पिज़्ज़ा हट का, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने पिज़्ज़ा हट से खाए हैं तो वो कभी चिकन जो है आर्टिफिशियल चिकन ऊपर रख देते हैं, यानी बाज़ार का बना हुआ फ्रेश चिकन नहीं होता, के एम एम का या इस तरह का कोई ऊपर चिकन डाल देते हैं तो बड़ा बदमगजी होती है उधर, तो ये एक वाइट प्रिंटेड पाउच है जिधर हर चीज़ पिज़्ज़ा अलग क्वालिटी का मिलता है पिज़्ज़ा हट का। तो आए हैं गुलबर्ग तो इधर से पिज़्ज़ा खाते हैं, सबकी चॉइस है पिज़्ज़ा खाने की, तो मैंने कहा भी चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो पिज़्ज़ा खाते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट को रमजान की शॉपिंग शॉपिंग करनी है। साथ ही इम्तियाज माल है तो मुझे तो बहुत ही बकवास किस्म का इम्तियाज माल लगता है, तो उधर से शॉपिंग थोड़ी बहुत करेंगे तो फिर नेक्स्ट कार की तरफ रवाना होंगे। Thank you.
मेरे को पता ही नहीं, मैंने आज किस तरह की देंगे। 1900 में लाट है, 1300 में मीडियम है, 500 में आपके साथ। ये डील है, विद ड्रिंक। चलो ठीक है। ये क्या प्राइस है? ये 400 के 500 इसकी प्राइस है, अभी आपको 400 की मिलेंगे। और जॉनसन की प्राइस है 600, इसमें वाइप्स भी ज़्यादा है, 84 वाइप्स हैं उसमें, 72 वाइप्स। चलो यही ले। और दूध किधर है? दूध ये फार्मेसी कौन सा साइड है? वो सामने ले मेल का ढूंढना है ना, मेल का ढूंढना है। नहीं फार्मेसी नहीं, हमने पाउडर लेना है। वो कह रहा था नीचे से मिलेगा दूध है। तो उसे वो आपने फार्मेसी पूछिए दूध। BF1 इधर से मिल जाएगा, सामने जो लाइन है ना। लेकिन हमारे पास BF1 वाला क्या चीज़ नहीं है? छोटा भी नहीं है। लेना है? आओ। फिर आप क्या कह रहे हैं? बस आओ फिर। बड़ा स्टोर है, समझ नहीं आ रही। ये
ये दो पनीर के बैग हो गया भाई लो बैग के लिए बैग क्या हो गया चलो भाई हम किधर से ऊपर गए थे नहीं हो किधर आ गए पता है यार कितना रश है किधर इधर इधर किधर यार इधर है इधर है लिफ्ट हाँ ये टिश्यू वाले प्रेस करो लो जी सारे काम खत्म और वापसी का सफर शुरू कमर्शियल मार्केट सूट देने थे अपने स्टिचिंग के लिए तो वो दिए हैं तो कमर्शियल पहुंच गए हैं तो इधर से बस देखे और फोन निकलते हैं घर की तरफ लो जी आखिरी काम भी ख़त्म हो गया और अब हम सीधा चिको छिक कर श्रीनगर हाईवे पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे हैं तो इधर से हम सीधा जाएंगे 0.0 से सीधा श्रीनगर हाईवे से सीधा मोटरवे से सीधा घर